मैं भी तुम्हें दंड नहीं दूंगा, जाओ और अब से फिर पाप नहीं करना। आत्मदर्शन टीवी के दर्शक, आप सभी को मेरा प्यार भरा जय यीशु। संत योहन का सुसमाचार अध्याय 8 एक से 11 तक पदों में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु एक व्यभिचारिणी स्त्री को बचाते हैं। प्रभु यीशु मंदिर आए और प्रांगण में लोगों को शिक्षा दे रहे थे। बहुत से लोग उनके पास इकट्ठे हो गए थे और उन्हें शिक्षा दे रहे थे, समझा रहे थे। और उस वक्त फरीसी लोग एक व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री को लेकर उनके पास आया और उनसे कहने लगा कि इसे व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई है। संविधान में ये लिखा है कि ऐसे स्त्रियों को पत्थरों से मार डालो। जो ये आदेश है और उन्हें करना है, और वे प्रभु से पूछा क्या ये सही है, इस विषय में आप क्या कहते हैं। प्रभु यीशु को तो संहिता का पालन करना ही है, और यदि वह उस स्त्री को नहीं बचाते तो वे कहेंगे देखो उन्होंने ऐसे पापनी स्त्री को त्याग दिया है। लेकिन प्रभु ने उनसे कहा तुम में जो निष्पाप हो वह इससे सबसे पहले पत्थर मारे। ऐसा कोई इंसान नहीं है जो निष्पाप है। इंसान पाप करते हैं, पापी हैं। ईश्वर हर एक के पाप जानते हैं, हर कुकर्म जानते हैं, और उनके सामने ही ऐसे एक स्त्री को लेकर ये लोग आए। उनके विचार प्रभु जानते थे, उनके मन में इस स्त्री के प्रति क्या भावना है, ऐसे प्रश्न पूछने के पीछे इनका क्या विचार है, ये सब प्रभु जानते थे। और जैसे जैसे उन्होंने ये बात सुना कि तुम्हें जो निष्पाप हो वह इससे सबसे पहले पत्थर मारे, तो एक एक करके पत्थर डालकर खिसक गए। पत्थर मारने का धैर्य किसी को नहीं मिला, यानी सब अपने आप को पापी मानते हुए वहां से चले गए। और इस प्रकार प्रभु ने उस स्त्री को बचाया और उनसे कहा अब से फिर पाप नहीं करना। ये लिखा है कि ऐसी स्त्रियों को पत्थरों से मार डालो, लेकिन ऐसे पुरुषों के साथ क्या किया जाए कुछ भी नहीं लिखा है, यानी उन्हें कोई दंड नहीं दिया जाता था। यानी वो समाज, वो समूह स्त्रियों को दबाते थे, स्त्रियों पर अत्याचार करते थे, और प्रभु ने कई बार ऐसे स्त्रियों को बचाए हैं। हम दूसरी घटना देखते हैं संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 13 में कि विश्राम के दिन सभागृह में प्रभु ने एक 18 वर्षों से झुकी हुई बीमार स्त्री को चंगाई प्रदान किया, और ये देखकर सभागृह का अधिकारी चिढ़ गया और उन्होंने कहा 6 दिन हैं जिनमें काम करना उचित है, इसलिए उन्हीं दिनों चंगा होने के लिए आओ, विश्राम के दिन नहीं।
यानी उन्होंने उस स्त्री से कहा, विश्राम के दिन ऐसे चंगाई के लिए मत आओ। लेकिन प्रभु ने कहा, शैतान ने इस स्त्री इब्राहिम की इस बेटी को इन 18 वर्षों से बांध रखा था, तो क्या इसे विश्राम के दिन उस बंधन से छुड़ाना उचित नहीं था? यानी प्रभु ने उस स्त्री का पक्ष देते हुए ऐसी बातें बोला। इसी प्रकार बेथनिया में भोज के समय एक स्त्री इत्र लेकर आए, प्रभु के सिर पर इत्र उडेल दिया और शिष्यों ने इसकी आलोचना करते हुए कहा, इसे बेचकर गरीबों को दे सकता था। लेकिन प्रभु ने उस स्त्री को बचाते हुए कहा, तुम इस महिला को क्यों तंग करते हो? इसने मेरे लिए भला काम किया है। यानि उनके काम को प्रभु ने सराहा, इस प्रकार उन्होंने उसे बचाया, उनके प्रति दया दिखाया, करुणा दिखाया। प्रभु के इन शिक्षाओं पर हमें मनन चिंतन करना है। सबके प्रति प्रेम हो, उदारता हो, जो पतित हैं, जो दबाए हुए हैं, जो तिरस्कृत हैं, उनका साथ देते हुए उन्हें प्यार दिखाए। हम प्रभु से प्रार्थना करें कि उन्हीं के समान सबके प्रति दयालु बने रहने के लिए वे हमें आशीष देते रहे। आमीन।